नमस्कार डियर चिल्ड्रन, नमस्कार डियर चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द वर्क। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क एंड द फॉर्मूला ऑफ द वर्क। वर्क इज द सेट टू बी डन दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। जब फोर्स अप्लाइड होता है एंड डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्क इज डन। सो हियर वी आर टू न्यूमेरिकल्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली बाय द हाउ कैन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ द दिस चैप्टर। फर्स्ट इज अ पेयर ऑफ बुलर्स एग्जर्ट अ फोर्स। सो इन दिस क्वेश्चन फोर्स इज गिवन, एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। 140 न्यूटन ऑन अ प्लोर, द फील्ड बीइंग प्लोर इज 15 मीटर लॉन्ग, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। उसे फील्ड को प्लो किया जा रहा है बुलक से। सो हाउ मच वर्क इज डन, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क। व्हाट वी हैव टू, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क। सो हाउ मच वर्क इज डन इज प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क, वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला, एफ इंटू एस। एंड हियर इन दिस क्वेश्चन फोर्स इज गिवन, अ पेयर ऑफ बुलक एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। सो व्हाट इज द एफ, एफ इज गिवन 140 न्यूटन एंड द फील्ड बीइंग प्लोड बाय इज 15 मीटर लॉन्ग। सो डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीटर डिस्टेंस, दैट इज द मीटर। सो एफ इक्वल्स टू हो गया वर्क इक्वल्स टू हो गया आपका वर्क इक्वल्स टू 140 न्यूटन मल्टीप्लाई 15 मीटर। 140 मल्टीप्लाई 15, सो द आंसर इज 210 न्यूटन मीटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 2100 जूल। द आंसर इज राइट। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट। दैट इज द न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी ऑफ दिस चैप्टर। न्यूमेरिकल आर वेरी इजी। इफ फोर्स इज गिवन एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, सो यू कैन कैलकुलेट द वर्क। सेकेंड इज डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल डिफाइन करना है। सो वी नो दैट W इक्वल्स टू F इंटू S, वेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। वेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस। सो द वर्क इज सेट टू बी 1 जूल। When 1 newton force is applied, 1 meter displacement take place. That is the work is said to be 1 joule. So student, next numerical is, right. Calculate the work. What we have to calculate? हमें work को calculate करना है. Calculate the work done when a load of 100 kg. That means mass is given. Here is mass is given. You can write down what the things. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज कैलकुलेट क्या करना है आपको, वर्क करना है। व्हेन अ लोड ऑफ 100 kg, मास की एसआई यूनिट केजी होती है, 100 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली बाय, लिफ्टेड दैट मींस हाइट इज गिवन, लिफ्टेड वर्टिकली 5 मीटर एंड जी इज गिवन टू 9.8 मीटर पर सेकंड। So student, no need to worry about it. यहाँ पे जो हमारा s है वो एक height के form में आ गया। एक कोई particular object है, इसको 100 meter की 5 meter की height पे इसको खींचा जा रहा है। So हमारे पास यहाँ पे जो displacement हुआ है वो हो गया आपका height। Position change हो रही है, displacement उसका हो रहा है, लेकिन एक height के form में हो रहा है, right? So व्हाट इज द फॉर्मूला, W इक्वल्स टू F इंटू S होता है। यहाँ आपको M दिया है, वी नो दैट W इक्वल्स टू F इंटू S। यहाँ S आपके हाइट के फॉर्म में है,
what is the answer? 449. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4900 न्यूटन मीटर आंसर, और आप इसे डब्ल्यू को लिख सकते हैं 4900 जूल. आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द सॉल्यूशन. इट्स अ वेरी इजी स्टूडेंट, नो नीड टू वरी अबाउट इट. अगेन आई एक्सप्लेन दिस, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन. हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ लोड ऑफ 100 केजी, मास इज गिवन, मास इज 100 केजी, लिफ्टेड वर्टिकली, दैट मींस हाइट इज गिवन, वर्टिकली लिफ्टेड है, दैट मींस हाइट इज गिवन है, एंड बाय 5 मीटर गिवन बाय जी. जहां पे ऑब्जेक्ट ए से इसकी पोजीशन चेंज हुई है, ए से बी, अब इसकी पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि हाइट 5 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में हुआ है, हाइट में. तो जी आ गया आपका 9.8, राइट, एंड जी हमें 9.8 दिया हुआ है. डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ होगा एम जी, बिकॉज एक्सीलरेशन जो होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में होगा, इंटू एच होगा, एम हो गया आपका 100 के जी, जी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच हो गया 5 मीटर. सो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 4900 न्यूटन मीटर, और आप इसे जूल भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 1 जूल को डिफाइन करना है. W इक्वल्स टू एफ इंटू एस होता है, वर्क की यूनिट जूल होती है. 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड होगा तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे 1 जूल कहा जाएगा. सिंपल सा है नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल. आपको फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन एंड आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 15 मीटर, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, फोर्स है 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, फोर्स 140 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है. सो W इक्वल्स टू 2100 न्यूटन मीटर, W इक्वल्स टू 2100 जूल. सो आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे कि आप किस तरीके से न्यूमेरिकल कर सकते हैं. एनसीईआरटी बुक में और भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं स्टूडेंट, जो कि आप लोग इजीली कर सकते हैं. आई एम टेकिंग 1 न्यूमेरिकल ऑल्सो. यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1. अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, दैट मींस क्वेश्चन 1 में आपका एड्रेस था फोर्स गिवन है 7 न्यूटन, राइट. द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आपका गिवन है 8 मीटर. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेट अस टेक इट द फोर्स एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन. ऑब्जेक्ट है, राइट, 7 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया गया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ पोजीशन इसकी आई है वो हो गया आपका 8 मीटर. तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 7 न्यूटन मल्टीप्लाई 8 मीटर, F इक्वल्स टू हो गया आपका 56 न्यूटन मीटर एंड जूल आंसर, राइट, क्लियर. आई होप यू ऑल आर क्लियर राइट. अब इस तरीके से न्यूमेरिकल आप आगे और भी कर सकते हैं. व्हेन डू वी से दैट द वर्क इज डन, हम कब ये कह सकते हैं कि वर्क हुआ, वी कैन से दैट द वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज सप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, देन वी कैन से दैट द वर्क इज डन. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टार्ट द एनर्जी. आई होप वर्क भी क्लियर है आपको, वर्क के न्यूमेरिकल्स भी आप कर सकते हैं. सो डू प्रैक्टिस. थैंक यू सो मच एवरीवन.